विगत 5 महीनों से जेल में रहने के बाद आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ और आप सबको मालूम है कि मुझे या विगत के लोगों को किस तरीके से पूरे देश उनके विरुद्ध हम खड़ा न हो पाए इसकी जुगत लगाए हुए, उसी का परिणाम के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री आज जेल में बंद है। मुझे बड़ा सुनिए तरीके से अपने षड्यंत्र में फंसाकर 5 महीनों तक जेल में रखा। झारखंड आदिवासी गरीब पिछड़ा गरीब युवा राज हम लोगों को थोड़ा समझने में इनकी चाल समझने में दिक्कतें आई और उसका परिणाम हुआ कि हमें आप 5 महीने जेल में रखा है। कोई बात नहीं, न्यायालय ने मुझे बाहर निकाला, न्यायालय से मुझे न्याय मिला और न्यायालय के न्याय में जो चीजें आदेश दी गई है, जो चीजें लिखी गई है वो पूरे देश और राज्य के लोग पढ़ रहे हैं। आज इन 5 महीनों में शायद ये राज और आगे बढ़ सकता था जो हमने गति देने का प्रयास किया, उस गति को हम लोग बहुत और रफ्तार दे सकते थे, लेकिन इनको डर था कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए तो जो हमारे विरोधी है इस राज्य में मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आने वाला समय में इस राज्य में दिया लगा के घूमने से भी वो रुक रहे हैं। आपको याद होगा देर रात इसी चौराहे पर हमने कहा था कि इन दुष्टों का ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया। और आज हम इस बात को हमेशा मान के चले हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट किसी भी सिक्कर किसी भी चीजों से दफन कर नहीं कर सकते, वो आज नहीं कल उभर के आता है और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए आपका नेतृत्व देने के लिए मैं खड़ा हुआ और आप लोग आश्वस्त रहे। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है, फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवा लोगों को यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे और मुझे तो पता चल रहा है कि मुझे जानकारी आ रही है कि हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का घोषणा
वो कल कर दे, परसों उनका समय नहीं होगा। आज इन लोगों ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कर लिया है उनको ऐसा, लेकिन इस देश के अंदर इस लोकतंत्र, भारत जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें अगर सबसे बड़ा अदालत है तो वो जनता की अदालत है, समय समय पर। जिनको देख कर आज हम लोग यहाँ तक चल के आए, और निश्चित रूप से इस तरीके से आप लोग के समर्थन से देश में सबसे पहले एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। आज आपकी इस ताकत के बदौलत उन लोगों को भी उठना पड़ा है कि अड़ोस पड़ोस राज्य में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री नहीं, वो लोग रबर स्टाफ है, उन लोगों के साथ उन लोग का जवाब, उनका जवान नहीं खुलता है। इन लोग के सामने गरीबों की आवाज उठाने की क्षमता नहीं रही। लेकिन झारखंड इतिहास बनाएगा, मूलवासी आदिवासी एक होकर हम लोगों का जो संकल्प, हमारे पूर्वजों का संकल्प था, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने का काम हम मिलकर करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अलग अलग रास्ते से आएंगे, हम लोगों राजनीतिक रास्ते से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोग जरूर, हम लोग को थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम लोग के पास वो सोच नहीं है जो उनके जैसा सोच है। ये बनुवादी सोच, ये सामंती सोच को आज खत्म करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है, और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना जो ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको जोहार, जय झारखंड।